दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में दादर ईस्ट में रुकने का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी मिलने वाली है, और अपने लोगों में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको शुरू से पूरी जो है बताता हूँ कहाँ आना है, कैसे आना है और कैसे ये हमें धर्मशाला मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन दादर से हमें आगे इधर आना है ईस्ट में, और ये सीधा रास्ता दादर रेलवे स्टेशन से ही आ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए एक बड़ा सा एक टावर यहाँ पर, और ये हाईवे बना हुआ है। इस हाईवे से हमें इधर चलना है, ये साइड में जो ट्रैफिक जा रहा है इधर हमें चलना है। हाईवे के साथ साथ ही तकरीबन 1 किलोमीटर आप किसी को पूछ भी सकते हैं आहूजा गेस्ट हाउस, आहूजा धर्मशाला सॉरी, और उससे पहले गुरुद्वारा भी आता है, आप गुरुद्वारा ही पूछ सकते हैं। गुरुद्वारा जाना है तो गुरुद्वारे से थोड़ा सा आगे है। आइए आगे चलें और आगे मैं बताता हूँ आपको। और ये यहाँ पर गुरुद्वारा है, दादर गुरुद्वारा, यहाँ आप पूछ सकते हैं इसी रोड के ऊपर। और हमें आगे चलना है तकरीबन आधा किलोमीटर और आगे चलेंगे तो हमारा ये आ जाता है। और ये सामने हाईवे है, क्योंकि ये पूरा हाईवे के ऊपर ही है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा हाईवे है, ये देखिए। और ये इधर से हमें आना है, ये देखिए आप, ये हाईवे के नीचे ये सिग्नल है, और इस सिग्नल से हमें इधर निकलना है हिंद माता सिनेमा की तरफ, आगे की तरफ। यहाँ से ये गली में अंदर जाना है, आप देख लें ये इधर हिसाब किताब यहाँ का, ये हाईवे है। और इस गली में हमें अंदर चलना है, हिंद माता गोल्ड सिनेमा है ये, इसका ऑफिस यहाँ पर, हिंद माता गोल्ड सिनेमा। और ये बिल्कुल हाईवे के पास में ही है, ये हाईवे है, ऊपर ब्रिज दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हमें ये सिनेमा की तरफ आके, और इधर ये सामने जो है बिल्कुल सामने यहाँ पर मंदिर है, और यहाँ हमारा ये गेस्ट हाउस धर्मशाला है। ये यहाँ पर हिंद माता का मंदिर है, और यहाँ से यदि हम इधर घूम के देखेंगे तो सामने देखें आप, ये हाईवे है, ये ब्रिज दिखाई दे रहा है। और ये हमारा यहाँ पर यह हमारा ये धर्मशाला है। ये अभी हम देखा हिंद माता मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ ये हमारा आहूजा धर्मशाला और हाल, यहाँ हमें आना है। ये आप लोकेशन देख लीजिए, ये हाईवे से आते हैं बिल्कुल पास में हाईवे के। ये इस तरह से डबल बेड है, एक ऊपर है एक नीचे है, और ये पूरे में ऐसे काफ़ी बड़ा है, आप देखिए तो देखिए। और इधर ये सामने ये सामान के लिए है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही ये बहुत सारे हैं, तो सबको एक एक ये दे देते हैं। इधर भी है, इधर भी है, और इस साइड में वो मेन गेट है सामने, ये एंट्री का मेन गेट है। और ये चार्जिंग के पॉइंट यहाँ पर हैं बहुत सारे, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर इधर ये साइड में ये इधर वाशरूम है, 5-6 बाथरूम है वहाँ पे, और पेशाब के लिए है। व्यवस्था पूरी है, साफ़ सफाई अच्छी है, आप देखिए बिल्कुल अच्छी साफ सफाई यहाँ पर ये लोग रखते हैं। और एक ये ओढ़ने के लिए, एक तकियों का कवर, और एक ये बिछाने का और नीचे गद्दा, और एक तकिया, ये पूरा देते हैं यहाँ पर। और 150 रुपया एक रोज़ का चार्ज है एक बेड का, और अलमारी जो है वो फ्री है। इसके साथ में
आपको पहले 1500 रुपये यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। 1500 आप जमा करेंगे, वो आपका हिसाब जब लास्ट में होगा तो उसमें से काट लेंगे, और 7 दिन बाद में इसको रिन्यू करना पड़ता है, तो 7 दिन बाद में दोबारा से 1500 जमा करेंगे और 14 दिन तक यहाँ रुक सकते हैं। हर रोज़ का 150 रुपये लगेगा, 150 रोज़ का, और 15 दिन तक यहाँ आप 2 हफ्ते तक यहाँ पर रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, और यहाँ पर असल में नज़दीक में कैंसर हॉस्पिटल है दादर में, जहाँ पर ये है उसके पास ही, तो ज़्यादा कैंसर के पेशेंट दूर दूर से, बंगाल से, यूपी से, एमपी से, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और वो लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपने लोगों में ज़रूर शेयर करें जो मुंबई आते हैं और जो दादर आते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप कहीं से आ सकते हैं क्योंकि लोकल ट्रेन चलती है और बहुत ही सस्ते में ट्रेन आपको यहाँ से वहाँ ले जाती है, तो लोकल ट्रेन में आप दादर आकर के, दादर ईस्ट में ये है, तो कोई भी आकर यहाँ रह सकता है 150 रुपये में। इससे सस्ता मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।